हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ओनली जीएस। आज हम बात करने वाले हैं भारत के प्रमुख दर्रे के बारे में। भारत में कौन कौन से दर्रे हैं जहां से आपकी परीक्षा में प्रश्न पूछा जा सकता है, उन दर्रों को आज हम जानेंगे और बाद में दर्रे से संबंधित कुछ प्रश्न भी सॉल्व करेंगे। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। पहले जान लेते हैं कि दर्रे होते क्या हैं। दर्रे किसी पर्वत या पहाड़ी में स्थित निचला भाग जिससे होकर स्थल मार्ग होकर गुजरता है, उसे दर्रा या पास कहा जाता है। आप चित्र में देख सकते हैं, ये निचला स्थान जहां से कोई मार्ग गुजरता है उसे दर्रा कहा जाता है। भारत के प्रमुख दर्रे आज हम जानेंगे, जम्मू कश्मीर के दर्रे, हिमाचल प्रदेश, महाराष्ट्र, केरल, सिक्किम, मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश और उत्तराखंड। इन सभी दर्रों को हम विस्तार से जानेंगे। पहला दर्रा है जोजिला दर्रा। यह दर्रा जम्मू कश्मीर के जास्कर श्रेणी में स्थित है। इसकी लोकेशन आप देख सकते हैं, यहाँ पर है। यह श्रीनगर को लद्दाख के कारगिल एवं लेह मार्ग से जोड़ता है। जोजिला दर्रा श्रीनगर को लद्दाख के कारगिल एवं लेह मार्ग से जोड़ता है और यह जम्मू कश्मीर की जास्कर श्रेणी में स्थित है। दूसरा दर्रा है पीर बंजाल दर्रा। यह जम्मू कश्मीर में यहाँ पर स्थित है। यह दर्रा जम्मू से कश्मीर को जोड़ता है। पीर पंजाल दर्रा, इस दर्रे से मुगल सड़क गुजरती है। आप चित्र में देख सकते हैं, यह मुगल सड़क है। इस दर्रे से कुलगांव से कोठी जाने का मार्ग गुजरता है। पीर पंजाल दर्रे से कुलगांव से कोठी जाने का मार्ग गुजरता है। इस दर्रे के उत्तर में श्रीनगर और दक्षिण में जम्मू कश्मीर स्थित है। पीर पंजाल दर्रे के उत्तर में श्रीनगर और दक्षिण में जम्मू स्थित है। अगला दर्रा है काराकोरम दर्रा। यह यहाँ पर स्थित है। काराकोरम दर्रा जम्मू कश्मीर के लद्दाख क्षेत्र में काराकोरम पर्वतमाला के मध्य स्थित है। यह भारत का सबसे ऊंचा दर्रा है काराकोरम दर्रा और इसकी ऊंचाई है 5,654 मीटर और यह लद्दाख के लेह शहर और तारिम बेसिन के यारकम क्षेत्र के बीच व्यापारिक मार्ग का सबसे ऊंचा स्थान है। काराकोरम दर्रा जम्मू कश्मीर में स्थित है और यह भारत का सबसे ऊंचा दर्रा है। अगला दर्रा है बनिहाल दर्रा। यह यहाँ पर स्थित है। यह भी जम्मू कश्मीर में स्थित है। यह जम्मू कश्मीर राज्य के दक्षिण पश्चिम में हिमालय के पीर पंजाल श्रेणी में स्थित है। बनिहाल दर्रा जम्मू कश्मीर राज्य के दक्षिण पश्चिम में हिमालय के पीर पंजाल श्रेणी में स्थित है। यह जम्मू कश्मीर को श्रीनगर से जोड़ता है। पीर पंजाल दर्रा जम्मू कश्मीर को श्रीनगर से जोड़ता है और बनिहाल दर्रे से ही जवाहर सुरंग जाती है। जवाहर सुरंग इसी दर्रे में स्थित है, यह याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जवाहर सुरंग बनिहाल दर्रे में स्थित है। अगला दर्रा है बुर्जिल दर्रा। यह श्रीनगर को पाक अधिकृत कश्मीर के गिलगित बाल्टिस्तान क्षेत्र में स्थित गिलगित और स्कर्दू से जोड़ता है। यह यहाँ पर स्थित है बुर्जिल दर्रा। अब हमने अब तक जाना जम्मू एंड कश्मीर के दर्रे, अब हम देखते हैं हिमाचल प्रदेश के प्रमुख दर्रे। पहला दर्रा है सिपकिला दर्रा। यह यहाँ पर स्थित है, आप चित्र में देख सकते हैं। यह हिमाचल प्रदेश की जास्कर श्रेणी में स्थित है। सिपकिला दर्रा हिमाचल प्रदेश की जास्कर श्रेणी में स्थित है और यह हिमाचल प्रदेश के शिमला को तिब्बत से जोड़ता है। अगला दर्रा है रोहतांग दर्रा। यह हिमाचल प्रदेश की पीर पंजाल श्रेणी में स्थित है और यह हिमाचल प्रदेश के कुल्लू लहुत स्फीति घाटियों को जोड़ता है। आप यहाँ चित्र में देख सकते हैं रोहतांग दर्रा। अगला दर्रा है बारालाचा। हिमाचल प्रदेश को लद्दाख से जोड़ता है बारालाचा दर्रा और मनाली से लेह जाने का मार्ग इसी दर्रे से गुजरता है। मनाली से लेह जाने का मार्ग बारालाचा दर्रे से ही होकर जाता है। चित्र में यहाँ पर बारालाचा दर्रा स्थित है। अब है अरुणाचल प्रदेश के प्रमुख दर्रे। पहला है बोमडिला दर्रा। आप चित्र में देख सकते हैं बोमडिला दर्रा यहाँ पर स्थित है। यह अरुणाचल प्रदेश एवं ल्हासा तिब्बत को जोड़ता है। भारत और तिब्बत को जोड़ता है। तिब्बत के ल्हासा और भारत के अरुणाचल प्रदेश पर
बीच में स्थित है। दूसरा है यांगियाब दर्रा। यह दर्रा अरुणाचल प्रदेश के पूर्व में स्थित है। यांगियाब दर्रा अरुणाचल प्रदेश के पूर्व में स्थित है। इस दर्रे के पास ब्रह्मपुत्र नदी भारत में प्रवेश करती है। यांगियाब दर्रे के पास से ही ब्रह्मपुत्र नदी भारत में प्रवेश करती है और यहाँ से चीन के लिए मार्ग भी जाता है यांगियाब दर्रे से। अगला दर्रा है दीफू दर्रा अरुणाचल प्रदेश का। अरुणाचल प्रदेश के पूर्व में म्यांमार सीमा पर स्थित है। आप देख सकते हैं चित्र में अरुणाचल प्रदेश के पूर्व में म्यांमार सीमा पर स्थित है। चौथा है पाकसाट दर्रा अरुणाचल प्रदेश के दक्षिण पूर्व में स्थित। यह दर्रा भारत को म्यांमार से जोड़ता है। अरुणाचल प्रदेश के दक्षिण पूर्व में स्थित यह दर्रा भारत को म्यांमार से जोड़ता है। यहाँ पर स्थित है। अब सिक्किम के दर्रे प्रमुख दर्रे जान लेते हैं। पहला है नाथुला दर्रा। यह यहाँ पर स्थित है। भारत चीन युद्ध 1962 में सामरिक महत्व के द्वारा चर्चित यह दर्रा सिक्किम राज्य के दोगेकिया श्रेणी में स्थित है। यहाँ से दार्जिलिंग वहां चुंबी घाटी तिब्बत जाने का एक मार्ग है। यहाँ से दार्जिलिंग चुंबी घाटी होकर जाने का एक मार्ग है नाथुला दर्रे से। अगला है जेलिप्ला दर्रा। यह गंगटोक को ल्हासा तिब्बत से जोड़ता है। गंगटोक को ल्हासा तिब्बत से जोड़ता है। यह दर्रा चुंबी घाटी से गुजरता है। जेलिप्ला यहाँ नीचे है और नाथला ऊपर है। अब मणिपुर का एक दर्रा है तुजू दर्रा। मणिपुर राज्य के दक्षिण पूर्व में स्थित है। मणिपुर राज्य के दक्षिण पूर्व में स्थित है। इस तरह से इम्फाल से तांबुवा इस दर्रे से इम्फाल से तांबुवा म्यांमार जाने का मार्ग गुजरता है। मणिपुर के तुजू दर्रे से इम्फाल से तांबुवा म्यांमार जाने का मार्ग गुजरता है। अब है उत्तराखंड के दर्रे। पहला है माना। माना दर्रा यह उत्तराखंड की कुमाऊं पहाड़ियों में स्थित है। माना दर्रा उत्तराखंड की कुमाऊं पहाड़ियों में स्थित है और यह उत्तराखंड को तिब्बत से जोड़ता है। माना दर्रा इसे चीरबतिया या डुंगरीला भी कहा जाता है माना दर्रा को। दूसरा है नीति दर्रा यह उत्तराखंड को तिब्बत से जोड़ता है। नीति दर्रा यह उत्तराखंड को तिब्बत से जोड़ता है। तीसरा है लिपुलेख। उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले में स्थित लिपुलेख दर्रा मानसरोवर को जोड़ता है। लिपुलेख दर्रा और इसी दर्रे से लिपुलेख दर्रे से कैलाश पर्वत एवं मानसरोवर के तीर्थ यात्री इसी दर्रे से होकर जाते हैं। लिपुलेख दर्रा उत्तराखंड में स्थित है। अब महाराष्ट्र के दर्रे हैं थालघाट दर्रा। पहला है थालघाट। यह 588 मीटर ऊंचा यह दर्रा महाराष्ट्र के पश्चिमी घाट की श्रेणियों में स्थित है। यहाँ से होकर मुंबई नागपुर कोलकाता रेल मार्ग तथा सड़क मार्ग गुजरता है। अब चित्र में देख सकते हैं थालघाट दर्रा। दूसरा है महाराष्ट्र का बोरघाट दर्रा। यह 229 मीटर ऊंचा यह दर्रा महाराष्ट्र के पश्चिम घाट की रेडियो में स्थित है। यहाँ से मुंबई पुणे बेलगांव चेन्नई रेल मार्ग एवं सड़क मार्ग गुजरता है। भोरघाट से मुंबई पुणे बेलगांव चेन्नई का रेल मार्ग और सड़क मार्ग गुजरता है। अब केरल का दर्रा है पालघाट दर्रा। यह केरल के मध्य पूर्व में स्थित है। पालघाट दर्रा इसकी ऊंचाई 305 मीटर है। नीलगिरी तथा अन्नामलाई की पहाड़ी के मध्य में स्थित है। पालघाट दर्रा कालीकट त्रिचूर कोयम्बटूर इडोर के रेल व सड़क मार्ग इस दर्रे से गुजरते हैं। यह दर्रा केरल और तमिलनाडु के बॉर्डर पर स्थित है। अगला है चांगला दर्रा। आप देख सकते हैं चित्र में चांगला दर्रा। यह दर्रा जम्मू कश्मीर में स्थित। यह दर्रा लद्दाख को तिब्बत से जोड़ता है। अगला है एमिसला दर्रा। यह दर्रा लद्दाख को तिब्बत से जोड़ता है। यह भी जम्मू कश्मीर में ही स्थित है। अगला है खैबर दर्रा। यह भारत के बाहर है। यह दर्रा पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बॉर्डर पर स्थित है। इसी दर्रे से आर्यों ने भारत में प्रवेश किया था। खैबर दर्रा
पाकिस्तान के बॉर्डर पर स्थित है, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के, और इसी दर्रे से आर्यों ने भारत में प्रवेश किया था। अगला है खारदुंगला दर्रा, लेह नगर को सियाचिन ग्लेशियर से जोड़ता है, जम्मू कश्मीर में स्थित है, लेह नगर को सियाचिन ग्लेशियर से जोड़ता है। अगला है लिखा पानी दर्रा, यह अरुणाचल प्रदेश में स्थित है, अरुणाचल प्रदेश में स्थित यह दर्रा भारत को म्यांमार से जोड़ता है, लिखा पानी दर्रा। अगला है सेन कोट्टा दर्रा, यह भी केरल में स्थित है, पश्चिमी घाट में अवस्थित यह दर्रा तमिलनाडु के मदुरई नगर केरल के कोट्टायम नगर को जोड़ता है, मदुरई नगर को केरल के कोट्टायम नगर से जोड़ता है सेन कोट्टा दर्रा, केरल में स्थित है। अब दर्रे से संबंधित कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं जो पेपर में पूछे गए हैं और आगे भी पूछे जा सकते हैं, तो हम उन्हें भी डिस्कस कर लेते हैं। सिक्किम में नाथुला दर्रा है, उत्तराखंड में लिपुलेख, हिमाचल प्रदेश में सिपकिला, भारत एवं चीन के बीच व्यापार पॉइंट है, इसी रास्ते से भारत और चीन के बीच व्यापार होता है। सिक्किम में नाथुला, उत्तराखंड में लिपुलेख, हिमाचल प्रदेश में सिपकिला, तीन दर्रे। माना दर्रा उत्तराखंड राज्य में नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व से जास्कर श्रेणी के पूर्वी छोर तक फैला हुआ है, इसी दर्रे में देवताल झील है जहां से अलकनंदा की सहायिका नदी सरस्वती का उद्गम होता है। नीति लिपुलेख माना थांगला से मानसरोवर झील व कैलाश घाटी का मार्ग गुजरता है, आप ये याद करिएगा, नीति लिपुलेख माना थांगला से मानसरोवर झील व कैलाश घाटी का मार्ग गुजरता है। थांगला दर्रा उत्तराखंड की कुमायूं श्रेणी में स्थित है, थांगला दर्रा। अब हम दर्रों को एक साथ देख लेते हैं। महाराष्ट्र के थाल घाट, भोर घाट दर्रे, केरल में पाल घाट, सेन कोट्टा दर्रा, मणिपुर का तुजू दर्रा, अरुणाचल प्रदेश के चार दर्रे, बोमडिला, यांगयाप, दिफू और पांगसाट। अरुणाचल प्रदेश में चार दर्रे, बोमडिला, यांगयाप, दिफू और पांगसाट। सिक्किम में दो, नाथुला, जिलेपला। उत्तराखंड के चार, थांगला, माना, नीति और लिपुलेख। उत्तराखंड के चार प्रमुख दर्रे, थांगला, माना, नीति और लिपुलेख। हिमाचल प्रदेश के तीन दर्रे, बारालाचा, सिपकिला, रोहतांग। हिमाचल प्रदेश के तीन, बारालाचा, सिपकिला, रोहतांग। और जम्मू कश्मीर में जोजिला दर्रा, पीर पंजाल दर्रा, बुर्जिल दर्रा, मिंटेक दर्रा, बनिहाल दर्रा, आघिल दर्रा और काराकोरम दर्रा। जम्मू कश्मीर में काराकोरम, आघिल, बनिहाल, मिंटेक, बुर्जिल, पीर पंजाल और जोजिला। अब हम यहाँ भी एक बार और देख लेते हैं। भारत के दर्रे जम्मू कश्मीर में जोजिला, पीर पंजाल, काराकोरम, बनिहाल और बुर्जिल दर्रा। हिमाचल प्रदेश में रोहतांग, सिपकला, बारालाचा, तीन दर्रे। महाराष्ट्र का थाल घाट, भोर घाट और केरल में पाल घाट और सेन कोट्टा दर्रा। सिक्किम का नाथुला दर्रा, जिलेप्सा दर्रा। मणिपुर का तुजू दर्रा। अरुणाचल प्रदेश बोमडिला दर्रा, दिफू दर्रा, यांगयाप दर्रा। उत्तराखंड के तीन दर्रे, नीति दर्रा, लिपुलेख दर्रा, माना दर्रा और एक थांगला दर्रा। उत्तराखंड का एक थांगला दर्रा और पांगसार दर्रा। अरुणाचल प्रदेश का बोमडिला, दिफू, यांगयाप और पांगसार, चार दर्रे। अब हमने जाना दर्रों के बारे में प्रमुख पॉइंट, अब हम जानते हैं कुछ क्वेश्चन आंसर भी कर लेते हैं दर्रे से संबंधित। पहला प्रश्न है, आर्यों ने भारत में किस दर्रे से होकर प्रवेश किया था? अभी मैंने आपको बताया खैबर दर्रा पाकिस्तान और अफगानिस्तान के मध्य स्थित है, खैबर दर्रा। जवाहर सुरंग नाम किस प्राकृतिक पर्वतीय दर्रे को दिया गया है? बनिहाल दर्रा। अगला क्वेश्चन है, जोजिला दर्रा जोड़ता है श्रीनगर और लेह को, जोजिला दर्रा श्रीनगर और लेह को जोड़ता है। अगला क्वेश्चन है, पालघाट दर्रा निम्नलिखित में से किन दो राज्यों को जोड़ता है? कर्नाटक,
केरल और तमिलनाडु। पालघाट दर्रा केरल और तमिलनाडु को जोड़ता है। अगला क्वेश्चन है, तुजू दर्रा भारत को किस देश से जोड़ता है? तुजू दर्रा म्यांमार से जोड़ता है और यह मणिपुर में स्थित है। यह मणिपुर में स्थित है। नाथुला दर्रा किस राज्य में स्थित है? सिक्किम में। अगला है, बोमडिला दर्रा भारत के किस राज्य में स्थित है? बोमडिला दर्रा भारत के किस राज्य में स्थित है? अरुणाचल प्रदेश। जोजिला दर्रा किस राज्य में स्थित है? जम्मू कश्मीर। क्वेश्चन नंबर 9 है, निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा सिक्किम राज्य में स्थित है? माना एवं नीति, नाथुला एवं जिलिपला। आंसर बी, नाथुला एवं जिलिपला। बुर्जिल और जोजिल जम्मू कश्मीर में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, जम्मू से श्रीनगर का मार्ग किस दर्रे से होकर गुजरता है? जम्मू से श्रीनगर का मार्ग किस दर्रे से होकर गुजरता है? तो जोजिल दर्रा। अगला क्वेश्चन है, प्रसिद्ध कैलाश मानसरोवर यात्रा गुजरती है लिपुलेख दर्रे से। प्रसिद्ध कैलाश मानसरोवर यात्रा गुजरती है लिपुलेख दर्रे से। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सुमेलित नहीं है? लिपुलेख उत्तराखंड में स्थित है, रोहतांग हिमाचल प्रदेश में स्थित है, नाथुला अरुणाचल प्रदेश में। नहीं, यह सिक्किम में स्थित है। आंसर नंबर सी गलत है, यह सिक्किम में स्थित है। नाथुला और पालघाट केरल में स्थित है, यह सही है। अगला क्वेश्चन है, टैगुफ दर्रा भारत को किस देश के साथ जोड़ने वाला पर्वतीय मार्ग है? टैगुफ दर्रा भारत को किस देश के साथ जोड़ने वाला पर्वतीय मार्ग है? तो यह म्यांमार के साथ जोड़ने वाला पर्वतीय मार्ग है। अगला क्वेश्चन है, खैबर दर्रा कहाँ स्थित है? यह पाकिस्तान में स्थित है और यह पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बॉर्डर पर स्थित है। अगला क्वेश्चन है, पालघाट निम्नलिखित में से किन के मध्य स्थित है? पालघाट नीलगिरी और अन्नामलाई की पहाड़ियों के मध्य स्थित है। पालघाट केरल और तमिलनाडु के बॉर्डर पर स्थित है और यह नीलगिरी और अन्नामलाई की पहाड़ियों पर स्थित है। निम्नलिखित में से किस से होकर ले जाने का रास्ता है? जोजिला। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? चांगला दर्रा जम्मू कश्मीर, रोहतांग दर्रा हिमाचल प्रदेश, बोमडिला दर्रा अरुणाचल प्रदेश, लिपुलेख दर्रा यह उत्तराखंड में स्थित है, उत्तर प्रदेश में नहीं है। तो आंसर डी गलत है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? बोमडिला अरुणाचल प्रदेश, नाथुला सिक्किम, भोरघाट हिमाचल प्रदेश। आंसर सी गलत है, भोरघाट हिमाचल प्रदेश में नहीं बल्कि महाराष्ट्र में स्थित है। महाराष्ट्र में स्थित है, पालघाट केरल में ही स्थित है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? जिलेपला सिक्किम में सही है, माना और नीति उत्तराखंड, सिपकिला जम्मू कश्मीर, बोमडिला अरुणाचल प्रदेश। सही है, सिपकिला जम्मू कश्मीर में नहीं बल्कि हिमाचल प्रदेश में स्थित है। सिपकिला आंसर सी गलत है, ऑप्शन सी गलत है, सिपकिला हिमाचल प्रदेश में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 20 है, इनमें से कौन सा सुमेलित नहीं है? नाथुला हिमाचल प्रदेश, लिपुलेख उत्तराखंड, रोहतांग हिमाचल प्रदेश, पालघाट केरल। सही है, रोहतांग हिमाचल प्रदेश सही है, लिपुलेख उत्तराखंड, नाथुला हिमाचल प्रदेश में नहीं बल्कि सिक्किम में स्थित है। अगला क्वेश्चन, माना दर्रा कहाँ स्थित है? माना दर्रा कहाँ स्थित है? उत्तराखंड, उत्तराखंड में स्थित है। किगरी और विगरी नीति माना क्या है? यह दर्रे हैं। आज के वीडियो में बस इतना ही।